देखो, अगर आपका बजट 5-6 लाख के आसपास है और आपको एक अच्छी कार लेनी है तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उन 6 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनके अंदर अच्छा खासा इंजन ऑप्शंस दिया जाता है, जिनके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलेंगे, अच्छा माइलेज मिलेगा। तो उन 6 कारों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। जो सबसे पहले कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं अंडर 6 लाख, वो है हुंडई की i10 नियोस। ये एक 5 सीटर हैचबैक कार है, इसको भी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल चुका है इंडिया में, मतलब इसको भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसका एक्सटर्नल लुक भी काफी तक कमाल का है। इसके अलावा i10 नियोस के इंटीरियर में अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करे जाते हैं। इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसके अंदर एक डीजल इंजन दिया जाता है, इसके अलावा 2 पेट्रोल के इंजन i10 नियोस के अंदर दिए जाते हैं। और i10 नियोस के अंदर आपको CNG किट भी मिलेगा कंपनी फिटेड, जिसकी मदद से ये कार अच्छा खासा माइलेज दे देती है। पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ ये कार लगभग 20 km से लेकर 25 km का माइलेज दे देती है, लेकिन CNG किट के साथ i10 नियोस लगभग 28 km पर kg का माइलेज दे देती है। अगर आपको माइलेज अच्छा चाहिए कार के अंदर तो आप इसके CNG वेरिएंट के साथ जा सकते हो। इसका CNG मॉडल आपको अच्छा खासा माइलेज दे देगा और इसकी कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 5.28 lakh rupees से। बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस, इसकी ऑन रोड प्राइस थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी क्योंकि हर एक सिटी में ऑन रोड प्राइस अलग अलग रहते हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक शोरूम प्राइस आपको बताऊंगा। जो सेकेंड नंबर की कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं अंडर 6 लाख, वो है टाटा के टियागो। टियागो एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है और इसको सेफ्टी में 4-star रेटिंग्स भी हासिल हुई है। हालांकि टाटा की बहुत सारी ऐसी कारें हैं जिनको सेफ्टी में 5-star रेटिंग्स मिले हैं और यहाँ पर टाटा की टियागो के अंदर भी आपको अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस कार को इंक्लूड किया जाए और इसकी कीमत भी आपको थोड़ी सी चौंकाने वाली है। अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूं तो इसके इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, इसका रोड प्रेजेंस भी काफी हद तक अच्छा खासा है, इसका एक्सटर्नल लुक भी काफी हद तक जबरदस्त है। इसके अंदर टाटा कंपनी ने एक पेट्रोल इंजन दिया हुआ है जो कि है 1.2 liter 3-cylinder रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन और टियागो लगभग 20 km पर लीटर का माइलेज दे देती है आराम से। वही अगर इसकी कीमत की बात करो तो टियागो की कीमत 5 लाख से शुरू होती है बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस, इसकी ऑन रोड कीमत थोड़ी सी अलग है। वही जो थर्ड नंबर की कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं अंडर 6 लाख, वो है न्यू जनरेशन सेलेरियो। हालांकि इसको रिसेंटली लॉन्च किया जा चुका है और इसके अंदर काफी अपडेट्स करे गए हैं इंटीरियर में भी और एक्सटीरियर में भी, और इसका माइलेज भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। और इसके इंजन के तौर पर आपको 1.0 liter 3-cylinder के सीरीज का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा और इस इंजन की मदद से न्यू सेलेरियो लगभग 26.68 km पर लीटर का माइलेज दे देती है, यानी लगभग 26 से भी ज्यादा km पर लीटर का माइलेज आपको मिलने वाला है नई सेलेरियो के अंदर। तो इसके अंदर आपको माइलेज भी मिलेगा, इसके अलावा अच्छे खासे फीचर्स भी मिलेंगे, लेकिन इसका अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है तो वो भी आ जाएगा जल्दी से, उसके ऊपर मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। कीमत की अगर मैं बात करूं तो नई सेलेरियो की कीमत 4.99 lakh rupees से शुरू होती है बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस। वही जो फोर्थ नंबर की कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं अंडर 6 लाख, वो है निसान की मैग्नाइट। हालांकि निसान की ये अब तक सक्सेसफुल कार रही है और इसका जो सेल्स रिपोर्ट है वो काफी अच्छा है, इसने काफी ज्यादा सेल्स भी हासिल करे है। इसके अंदर काफी बढ़िया फीचर्स ऑफर करे गए हैं और इसका जो रोड प्रेजेंस है काफी हद तक कमाल का है। इसका फ्रंट फीशा भी काफी तक जबरदस्त है और रियर से दिखने में भी ये काफी तक जबरदस्त लगती है। हालांकि निसान कंपनी ने इस कार के अंदर 1.0 liter 3-cylinder टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है और माइलेज की अगर मैं बात करूं तो मैग्नाइट लगभग 17 km से लेकर 20 km का माइलेज दे देती है। हालांकि माइलेज टोटली आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप बहुत ज्यादा रशली चलाते हो कार को तो आपको माइलेज बहुत ज्यादा कम मिलेगा, अगर आप नॉर्मल चलाते हो तो आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा। निसान मैग्नाइट की कीमत 5.71 lakh rupees से शुरू होती है बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस। अगर मैं फिफ्थ नंबर कार की बात करूं जो कि मोस्ट सेलिंग कार है इंडिया की, जिसके अंदर भी अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करे जाते हैं जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं, वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। हालांकि कंपनी ने इसके अंदर 1.2 liter 4-cylinder के सीरीज पेट्रोल इंजन दिया हुआ है जो कि लगभग 89 bhp की पावर आउटपुट और 115 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट लगभग 24 km का माइलेज दे देती है और इसकी कीमत 5.73 lakh rupees से शुरू होती है बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस। वही जो लास्ट नंबर की कार आती है जो कि है 7-seater MPV कार, वो है रेनॉल्ट की ट्राइबर। अगर आप लॉन्ग जर्नी ज्यादा करते हो, अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो आप इस कार को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अच्छी खासी स्पेसिंग मिल जाएगी, इंटीरियर में आप अपना अच्छा खासा सामान कैरी कर सकते हैं। हालांकि इस कार के अंदर सेफ्टी इतनी ज्यादा नहीं है, बिल्ड क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो डेफिनेटली आप इस कार को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर कंपनी ने 1.0 liter 3-cylinder पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि लगभग 71 bhp की पावर आउटपुट और 96 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। रही बात माइलेज की तो ट्राइबर लगभग 18 km से लेकर 19 km का माइलेज दे देती है और इसकी कीमत 5.54 lakh rupees से शुरू होती है बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस। तो ये 6 कारें आती है अंडर 6 लाख, हालांकि एक्स शोरूम प्राइस मैंने आपको बताई है, जो ऑन रोड कीमत रहेगी
की वो अलग अलग रहती है। तो इन 6 कारों में से एक कार आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। अगर आपका बजट 6-7 लाख के आसपास है, इनमें से किसी भी कार को आप पिक कर सकते हैं, या फिर इसका Part 2 वीडियो भी आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर, उसके अंदर मैं बाकी कारों को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।